नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कृष्णा रेवस का टेक सपोर्ट। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ जो आई कैफे मैनेजर है सर्वर का। जैसे आप सर्वर को ओपन करते होंगे तो यहाँ पे एक मैसेज आता है, प्लीज़ रिस्टार्ट द सिस्टम एंड कंप्लीट इंस्टॉलेशन प्रोसेस, क्लिक यस टू रिस्टार्ट, नो टू एग्जिट। जैसे आप इसको रिस्टार्ट करेंगे फिर से ये आपके सामने मैसेज आएगा, सेम ऐसे ही मैसेज। तो ये मैसेज को आप कैसे सॉल्व करेंगे और आई कैफे मैनेजर को आप कैसे स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले तो इसको तो अभी यहाँ से नो कर देंगे और अपने को जाना है यहाँ पे। आप यहाँ से भी जा सकते हैं ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर से। एक तो आप नेटवर्क का आइकॉन दिख रहा होगा आपको डेस्कटॉप पे, उसको राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में आपको लेफ्ट साइड पे देखेगा चेंज एडाप्टर सेटिंग। चेंज एडाप्टर सेटिंग में जाने के बाद में आपको एक लोकल एरिया कनेक्शन का एक दिखेगा आइकॉन, यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और इसके प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद में आपको यहाँ पर देखेगा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, जो यहाँ पर टिक किया हुआ है इसको यहाँ से अनटिक करेंगे। ठीक है, अनटिक करने के बाद में ओके करेंगे। अभी भी देखेंगे कि वो वर्क करता है कि नहीं करता है। तो अभी फिर से मैं ओपन करूँगा आई कैफे मैनेजर सर्वर को। देखो अभी चालू हो गया, अभी आपको एम्प्लॉय नेम भी आ रहा है और पासवर्ड भी आ रहा है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।